हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं यासिर के पापा के लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ नाश्ता के लिए। यहाँ चल रहा है नाश्ता का तैयारी, तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ उनके लिए अंडा। वो खाएंगे अंडा और ब्रेड, तो वही मैं इनके लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ और हम लोग भी खाने वाले हैं सब नाश्ता। तो और यहाँ पे फ्राई हो रहा है मेरा अंडा, इसके बाद और काम जो है, पहले नाश्ता वास्ता हो जाए, इसके बाद जो काम है मेरा वो मैं शुरू करूँगी, स्टार्ट करूँगी अपना घर का जो काम है मेरा बाकी वो सब। पहले चलते हैं फ्राई कर लेते हैं, यासिर के पापा को नाश्ता दे देते हैं, उनको लगा हुआ है भूख जोर से। और नाश्ता वास्ता होने के बाद हम यहाँ पर मैं आ गई हूँ कि मैंने ये जो सब साफ़ सुफ करना था मुझे, यहाँ का चादर ठीक करना था वो सब। और ये चादर है, बेडशीट है, जो मैं इसे धुल करके रखी थी, मैं वही मैं इसे तह लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि धोने का बहुत सारा था ना, सब जमा था, वही एक एक करके धो रही हूँ अभी, आस्ते आस्ते ये सब धुल जाएगा, वही मैं यहाँ पर तह लगा रही हूँ। नाश्ता वहाँ हो गया था, अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में खाना की तैयारी के लिए। यहाँ पे दाल मेरा बन रहा है, उस एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था दाल, और चावल मेरा बन चुका है, दाल यहाँ पे हो रहा है या। और अभी मैं आज मैं क्या बनाऊँगी ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ये हो रहा है मेरा आलू फ्राई, आलू तो ज़रूर से होना चाहिए खाने में, क्योंकि और आज क्या बनेगा आप लोगों को पता ही होगा, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। यहाँ पर पहले आलू फ्राई कर लेते हैं, पहले आलू भी ज़रूरी है उसमें डालना। तो आज तो बनने वाला है करेला, कड़वा करेला, लेकिन कड़वा नहीं, एक काम इसको करने से वो कड़वापन बहुत कम हो जाता है, बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये है लाल मिर्च पाउडर, इसमें ऐड कर देते हैं आलू में, ताकि आलू में भी टेस्ट आ जाता है ना। फ्राई कर लेते हैं पहले इसको, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी दिया है मैंने, इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे पहले, ये फ्राई हो जाएगा, इसके बाद करेला को फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई होने दें, और कल मैंने जो व्लॉग डाला था आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने क्या लिया था, करेला ही लिया था, तो वही आज बनने वाला है ना। तो यहाँ पे हो रहा है मेरा आलू फ्राई, और आलू डालकर ही बनाते हैं हम लोग करेला, इसमें मैंने नमक भी थोड़ा ऐड किया है, पहले थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, फिर करेले में और डालना पड़ेगा नमक। इसे अच्छे से फ्राई होने देना है। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, यासिर को लेकर गए थे आइसक्रीम खिलाने, मैंने वो बहुत जाने मांग रहा था, ज़िद कर रहा था, इस वजह से थोड़ा बाहर चले गए थे। ऐसे भी हम लोग को कभी कदार जाना ही चाहिए बाहर, हमेशा तो घर के काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे करेला मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और ऑयल डाला था उसमें मैंने, और आलू को पहले मैंने निकाल लिया है फ्राई करके, और यहाँ पे डाल दिया इसमें। करेले में सिर्फ प्याज डाला है मैंने, दो प्याज दिया है काट करके, वैसे ही साथ में डाल दिया है करेला और प्याज दोनों। अब इसे अच्छे से फ्राई होने देना है बस। और इसे ये बता रहे थे ना मैंने कि कड़वा होता है, वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे करेले को काट करके पहले उसमें पानी डाल के उसमें नमक ऐड करके ना उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और फिर उसे अच्छे से मसल कर धो लीजिए, तो उसके बाद ना कड़वापन बहुत दूर हो जाता है, रहता नहीं है, बहुत कम हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, समझिए अच्छा लगता है फिर खाने में, उतना कड़वा नहीं लगता है। तो वहीं पे वही मैं बता रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे आलू मैंने फ्राई करके जो रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस, और इसके इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। और इसमें मिर्च पाउडर भी मैंने ऐड किया है फिर से, लेकिन मैंने लेना ये मैं क्लिप नहीं लिया, वो मैंने भूल गई थी। तो ये फिर से मैंने इसमें नमक दिया है, क्योंकि करेले में मैंने नहीं दिया था नमक, उससे पहले अच्छे से फ्राई कर लिया, उसके बाद नमक ऐड किया है ताकि अच्छे से वो फ्राई हो जाए। देखिए आलू भी गल गया है, अच्छे से फ्राई कर लेना है बस। यही आज खाना बनाया है दिन का, तो दाल मेरा वहाँ पे बन चुका था, हम लोग सभी लोग खा लेते हैं करेला, अच्छा लगता है खाने में, और गर्मी का तो उस करेला का सीज़न है अभी। देखिए फ्राई मेरा हो गया, करेला रेडी हो गया है, यहाँ पे हो गया है शाम का वक्त, तो मैंने दिन का और व्लॉग नहीं बनाया था, इसके बाद मैं शाम से व्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिए, अब थोड़ा सा घर का तो काम हो गया,
अब ये शाम का टाइम है, ये मैं थोड़ा अपना बाल बाल ठीक कर रही हूँ, झाड़ने के लिए आ गई थी क्योंकि सब काम हो गया था। उसके बाद तो नहा कर थोड़ा खाना वाना खा करके हम लोग थोड़ा आराम किए थे। यासिर को भी थोड़ा बोलते हैं सो जाओ, लेकिन वो नहीं सोता है, दिन में एकदम नहीं सोता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये शाम का टाइम आ गए थे, 4:30 बज रहा है, 4:30-4:45 असर का नमाज पढ़ के वही मैं यहाँ पे सर वर झाड़ने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, तो अब चलते हैं चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ज़ारा चाय बनाई है, वो बनाती है शाम का चाय ज़्यादातर, और यहाँ पे मैं मैगी खिला रही हूँ यासिर को। असल में आज हम लोग का दिल था ना कि हम लोग खाएं ये क्या बोलते हैं पास्ता, तो पास्ता बनाने गए थे तो देखा कि नहीं है, पास्ता का मसाला ख़त्म हो गया था, तो वही मैगी था तो मैगी बना लिया, वही खाने लगे हम लोग। यासिर पढ़ लेना अभी थोड़ा देर में, ठीक है? अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, अभी नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है मुझे। चलो बैठने दो, हटो, अभी अजान का टाइम हो रहा है तो अभी जाएंगे नमाज पढ़ने, 6:10 में अजान होगा, अभी टाइम है। अभी हम लोग चाय वाय सब पी लिए, आटा गूंद कर मैंने रख दिया है रात के लिए, रोटी बनाना है, और यासिर खेल रहा है यहाँ पर गेम। अभी उसको बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो तो बोल रहा है नहीं अभी नहीं करेंगे, हम नमाज पढ़ लेंगे तब। अच्छा ठीक है, तो क्या आज होमवर्क मिला था कुछ पता है? क्या बताएंगे? नहीं बताओगे तो हम देख लेते हैं खुद क्या मिला है। ठीक है देख रहे हैं। तो अभी पढ़ाई नहीं करेगा, मगरिब का नमाज हम पढ़ लेंगे तब वो पढ़ेगा। तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।